क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रनों की बौछार करने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को जन्मे सचिन तेंदुलकर वैसे तो लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव वर्मन के नाम पर उनका नाम सचिन रखा। सचिन ने शारदा आश्रम विद्या मंदिर से अपनी पढ़ाई की। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके बाद कोच अचरेकर के सानिध्य में उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा। सचिन पहले तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सचिन के एक भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सविता तेंदुलकर भी हैं। 1995 में सचिन तेंदुलकर का विवाह अंजलि तेंदुलकर से हुआ। सचिन के दो बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। साल 1988। इस साल सचिन ने इतिहास रच दिया। दरअसल स्कूल के एक मैच के दौरान उन्होंने अपने दोस्त बल्लेबाज विनोद कामली के साथ 664 रनों की नाबाद साझेदारी की। इस धमाकेदार जोड़ी ने बॉलरों पर ऐसा कहर बरपाया कि एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 320 रन और पूरी प्रतियोगिता में 1000 से भी ज्यादा रन बनाए। अगस्त 1990। सचिन तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। यह शतक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में मैनचेस्टर में लगाया था। यह सचिन का नवा टेस्ट मैच था और इसमें उन्होंने नाबाद 119 रन बनाए थे। इस मैच की खास बात यह थी कि इसमें उन्होंने अपने आदर्श सुनील गावस्कर के पैड पहनकर मैच खेला। जनवरी 1994। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला एक दिवसीय शतक लगाया। वे ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ कोलंबो में खेल रहे थे। इस मैच में सचिन ने 110 रन बनाए। 16 मार्च 2012। 38 साल 11 महीने की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 100वां शतक लगाया। यह शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में हुए एक दिवसीय मैच में लगाया। दिसंबर 2012 में सचिन ने एक दिवसीय और नवंबर 2013 में टेस्ट मैचों से संन्यास ले लिया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं, किंतु लिखते बाएं हाथ से हैं। वे नियमित तौर पर बाएं हाथ से गेंद फेंकने का अभ्यास करते थे। अपने करियर की शुरुआत में सचिन के बैटिंग की शैली आक्रामक हुआ करती थी, लेकिन साल 2004 में वो कई बार चोटिल हुए, जिसकी वजह से उनकी बल्लेबाजी की आक्रामकता में थोड़ी कमी आई, जिसको लेकर कई क्रिकेटर्स ने सवाल भी उठाए। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने। 18,000 से ज्यादा रन बनाने वाले सचिन एकमात्र खिलाड़ी हैं। वनडे मैचों में उन्होंने सबसे ज्यादा 49 शतक ठोके हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन के सबसे ज्यादा शतक हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 51 शतक जमाए। वनडे मैचों में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज और सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही दर्ज है। तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय करियर में सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, जिनमें 9 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 7 शतक और 14 अर्धशतक ठोके हैं।